आज का जो लेसन है ये नफ्सियात के तरीके हैं, यानी जो इंसान की सोच है, ठीक है। सेकंड लेसन है ये 222 का साइकोलॉजी का। नफ्सियात के तरीके के अंदर यही बात बताई गई है कि इंसान जो है अलग अलग जगह पे क्या क्या, क्या तरीके अपनाता है। तो नफ्सियात का जो पहला तरीका है वो यही है कि तर्ज अमल, यानी हयातियाती तर्ज अमल का मतलब ये बायोलॉजिकल अप्रोच। बायोलॉजिकल अप्रोच के अंदर क्या चीज़ बताई गई है उसको हम समझ लेते हैं। बायोलॉजिकल अप्रोच का मतलब होता है इस तर्ज नज़र के मुताबिक किरदार की हरकत को समझने के लिए हयातियाती साख्तों या मज़ाहिर जैसे दिमाग, चेन, हार्मोन, ठीक है, एंडोक्रिनी निज़ाम यानी एंडोक्रोमी के अजबी मराहिल पर तवज्जो होती है। एहसास, जज्बात, यादों और इंसानी किरदार के दीगर पहलुओं को बाकायदगी अता करने में दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों में के काम हयातियाती तर्ज नज़र की तवज्जो मरकजी नुक्ता नज़र है। अगर मोटे मोटे तौर पे आपको मैं समझाने की कोशिश करूं कि भाई ये क्या चीज़ होती है, मतलब इसमें हम इंसान के बिहेवियर को पढ़ते हैं हयातियाती तर्ज अमल में, जो कि नफ्सियात का एक ज़ेली शोबा है, ठीक है। नफ्सियात का क्या है? ज़ेली शोबा है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं, मतलब वो किस वक्त किस तरह से बात करता है और क्या करता है, उन सारी चीज़ों को जो है हम इसके अंदर पढ़ते हैं। इसी पॉइंट के अंदर जो है हयातियाती तर्ज जिंदगी के बाद है कि तहलीली नफ्स का किरदार का तर्ज, यानी साइकोलॉजिकल अप्रोच। सेगमेंट फ्राइड तखयली तखलील नफ्सी का मौजद है और इसने इंसान के मौजूदा हालात को बयान करने के लिए लाशौरी शहवानी तवानाई पर अपनी तवज्जो मरकूज की है। उसने जहन का मुताला शऊर के मुख्तलिफ परतों जैसे शऊरी, माकबल शऊरी और लाशऊरी की शक्ल में दिया है। इनका कहने का मतलब यह है कि इंसान जो है जब लाशऊरी में होता है यानी ना समझी में होता है तो वो कैसे क्या क्या करता है, क्या क्या लफ्जिश करता है वो, और जब वो शऊरी में होता है मतलब जब उसे समझ आ जाती है तो वो जब क्या क्या करता है, और उसकी प्राइड ने ख्वाबों जबान की लफ्जिशों अजबी खलील यानी नर्वस जुनून अदब और अदब पारो और रसूम के तखयल के जरिए लाशऊरी की नौीयत और उसकी कैफियत की खोज की है। कि मतलब वो जब लाशऊरी में होता है तो बच्चा किस तरह से हरकतें कर, उसने फर्ज कर लिया कि बेशतर इंसान किरदारों को जो चीज़ महमूस करनी है वह लाशऊरी तहरीक है। इस तरह मौजूदा इंसानी किरदारों को समझने के लिए लाशऊरी जहनी मशमूलियत की तखयल तहलील व तजिए को अहम माना जाता है। मतलब ये कि इंसान जो है अपनी उसमें ज़्यादा वो समझता है कि जब वो लाशऊरी में होता है उसको ज़्यादा अच्छे से हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अंदर के इंसान फरिश्ताना तर्ज नज़र ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। प्राइड के बरखिलाफ इंसान फरिश्ताना तर्ज फिक्र के मौजद का राल रिसर्च। कारल रिसर्च ने मौजूदा सूरत हाल को शऊरी तजर्बों, तमाम जिंदगी के दौरान बेन शख्सी तजर्बों के रोल और नफ्सियाती बलोच की तरफ आगे बढ़ने की लोगों की सलाहियत पर तवज्जो दी है। इस तर्ज फिक्र में बुनियादी तौर पर यह बात मान ली गई है कि कोई भी शख्स फाल और खुद फाल तहकीकी आमिल होता है और अपने किरदार को मुतय्यन करने में उसकी खुद की पसंद नापसंद दखल होती है। इन्होंने कहा है कि भाई इंसान फरिश्ताना तर्ज अमल होता है, यानी इंसान जैसा चाहता है वो खुद से इसी तरीके से क्या करता है, चीज़ों को करता है। ये कोई इसमें जो है मतलब कोई दूसरा रोल अदा नहीं कर सकता। अगर आप जो है अच्छी बनना चाहती हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अच्छे कैसे बने, और अगर आप बुरी हालात में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड है कि भाई आप जो है बुरे हालात में ज़िंदगी गुजार सकते। तो ये आपके ऊपर डिपेंड होता है, यानी इंसानी फरिश्ताने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होती है कि बंदा किस तरह से जीना चाहता है, वो क्या बनना चाहता है। अगर वो ख़राब बनना चाहता है ज़िंदगी में तो ख़राब भी बन जा सकता है, अगर वो कुछ बनना चाहता है तो वो कुछ भी बन सकता है। एक खुद तहकीक अमल प्रोसेस का हिस्सा होने के नाते कोई भी शख्स खुद और तजर्बे के दरमियान एक इतिहाद को बरकरार रखना चाहता है।
बहरहाल मशहूर मुबल्लिस से लिहाज के साथ पिछले तजर्बात की वजह से इन तजर्बात का इजहार कर सकता है या उसे मशक कर सकता है, और खुद निजाम सेल्फ सिस्टम के लिए खतरा होता है। यानी इंसान को देखा जाए तो वो खुद से ही अपने सिस्टम को बदल सकता है। जैसे कहते हैं ना कि भाई क्या नाम है, जब तक इंसान के साथ अल्लाह की मदद भी नहीं आती, जब तक वो अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करता, लेकिन जब इंसान खुद बदलने की कोशिश करता है तो जो है मदद भी आती है ऊपर वाले। तो इंसान जो है बरिस्तान तर्ज नजर होता है, मतलब जब तक अपने आप को बदलना चाहता है जब भी वो बदल पाता है। इसके बाद है किरदार है तर्ज नजर। किरदार तर्ज नजर का मतलब ये है कि इस तर्ज नजर की तहलील तज्जिया की इकाई सिर्फ मारूजी और माफी किरदार होती है। इसका रिश्ता माहौलियाती तहरीक से होता है। किरदारियत के मौजूद जे बी वॉन्ट्स ने मारूजी तहलील पर जोर दिया है और उनकी वकालत की है कि जो अमल के दरमियान रफ्त बाहमी अंदाज होता है उसी रफ्त बाहमी में जोड़ तोड़ करके किरदार का एक मतलूबा जहज में ढाला जा सकता है। ठीक है, यानी अगर कोई आपके साथ जैसा बिहेव करता है उसी के तर्ज अमल में आप जो है उसके साथ भी बिहेवियर करते हैं। वफाकी तर्ज अमल के अंदर ये है कि इन्होंने कहा इस तर्ज के मरकजी नुकता है किस तरह के अदराक याददाश्त गौर फिक्र इस्तदलाल मसाइल और ये सारी चीजें होती है। यहाँ पे इसमें आगे कहना है दर्ज बाला गुफ्तगू से बात वाजे है कि जहनी अमाल तजर्बात और किरदार के मुख्तलिफ तरजीही नुकात से मदद समझते हैं। दर हकीकत इंसान का किरदार पेचीदा होता है और उसके मुख्तलिफ पहलुओं की कदर व कीमत का अलग अलग तौर पर तयन किया जाता है। जिस तरह हमारे चेहरे अलग हैं इसी तरह हमारे किरदार अलग हैं। ठीक है, ये मेन चीज इसमें बताई गई किरदार की तर्ज नजर। मतलब एक बच्चा है 10वीं क्लास में, दूसरा बच्चा भी 10वीं क्लास में, तीसरा बच्चा भी 10वीं क्लास में, लेकिन तीनों के बिहेवियर अलग है। एक बहुत गुस्से वाला है, एक बहुत नरम दिल है, और एक का जो है गुस्सा भी है और नरम दिल भी है। और हालांकि दोनों जो है तीनों बच्चे एक ही क्लास में है, एक बहुत जहीन है उनको भी वही टीचर पढ़ाता है, एक बच्चा कमजोर है उन्हें भी वही टीचर पढ़ाता है, और एक बच्चा दरमियान है उन्हें भी वही टीचर पढ़ाता है। तो इससे पता लगा कि किरदार तर्ज नजर होता है कि हर बंदे का अलग अलग किरदार होता है, अलग अलग जहन होता है, अलग अलग एहसास होते हैं, और अलग अलग बच्चे का क्या होता है। एक तरीके से आप ये कह सकती हैं कि अलग अलग मकसद भी अलग अलग होता है। तो जिसका मकसद अलग होता है, जिसका मकसद पढ़ के आगे बढ़ने का है तो पढ़ के आगे बढ़ता है, जिसका मकसद पढ़ के आगे बढ़ने का नहीं है बल्कि बिजनेस करने का या कुछ और करने का है तो वो उस तरह से आगे बढ़ता है। इसके बाद यहाँ पे ये सवाल है, इसके मतन पर मबनी सवाल, एहसास जज्बात यादों किरदार को पहलू को बाकायदी दिमाग अता करने के रिश्तों पर मुश्तमिल। इसके अंदर खाली जगह में भरना है आपको, ये आखिर में से देख के मिल जाएंगे आपको, सबक के आखिर में जब हम जाएंगे तो वहां से इसको भर सकते हैं। ठीक है, वहां से देख के भरिएगा। अब इसके बाद जो ये है इन नफ्सियाती अमाल को समझने के तरीके, इसे आप थोड़ा सा पढ़ें फिर मैं आपको समझाता हूँ। अब इसके बाद जो है नफ्सियाती अमाल को समझने के तरीके, नफ्सियाती अमाल मतलब जो भी इंसान किरदार करता है उसको समझने के कुछ तरीके होते हैं, उनको यहाँ पे हम जो है थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होते हैं। सबसे पहला होता है मुशाहिदा यानी ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जर्वेशन, यानी बाजार में खरीदारी करते वक्त आपने लोगों को मुख्तलिफ किस्म के सरगर्मियों को देखा होगा। इन सरगर्मियों का मुताला करते वक्त आपने सोचा होगा कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। गालिबन आपने ये नतीजा भी निकाला होगा कि इन सरगर्मियों के क्या इसलोब हैं। दूसरों के बारे में मुख्तलिफ हासिल मालूमात हासिल करना जानने का मुशाहिदा कहलाता है। दूसरे के बारे में अलग अलग बातों को हासिल करना वो हमारा ऑब्जर्वेशन कहलाता है और मुशाहिदा कहलाता है। ठीक है, तो इसके बाद जो है जब हम मुशाहिदा करते हैं, दर्ज बाला गुफ्तगू के मुकाबले मुशाहिदा थोड़ा और आगे की चीज है। उसूल या उसूल मालूमात या इंक्वायरी के एक तरीके की हैसियत से कहा जा सकता है कि मुशाहिदा वाकयात की बात कायदा तौर पर जेर तहकीक वाक्य के सिलसिले में इन मुतगैरात में किसी किस्म की मुदाखलत
आधारित कोशिश के बगैर समझ लेना है, ठीक है जी। मतलब इसमें जो है हम क्या करते हैं, समझते हैं चीजों को, चीजों को क्या करते हैं, समझते हैं मुशाहदे के जरिए। एक यहाँ पे छोटी सी मिसाल दी है, इससे समझते हैं कि तारीख की सबसे मशहूर रस्मी मुशाहदा है वो जेन पियागे पियाजे ने उन तीन बच्चों पर उस वक्त किया जब वे शेर खोर थे, मतलब छोटे थे। ये मुशाहदा पढ़ते पढ़ते पियाजे पियागे की नशो नुमाई की तजुर्बाती बुनियाद बन गया। और भी अपने नन्हे मुन्ने या छोटे भतीजों की नशो नुमाई और साफ का मुशाहदा कर सकते, उनकी हस्ती यानी हर की नशो नुमा और नशो नुमा के दीगर पहलुओं को समझ सकते। ये तरीका लेबोरेटरी और फितरी माहौल दोनों में इस्तेमाल होता है। मसलन खेल के मैदान में बच्चों के किरदार का मुशाहदा कर, जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो वो क्या किस तरह की हरकत कर रहा होते हैं, ठीक है। और गैस में मुशाहदे या माहिर नफ्सियात का कोई कंट्रोल नहीं होता, वो तो बस तमाम सरगर्मियों को महफूज या रिकॉर्ड करते हैं और उनकी तहलील व तजुर्बा करते हैं। इसके बरखिलाफ लेबोरेटरी मुशाहदे में जेर मुताला वाकई का मुशाहदा कंट्रोल करते हैं। मसलन सौंपी गई जिम्मेदारी के किरदार पर पैदा ग्रोह या दबाव का असर। मुशाहदे की दो किस्में, एक है स्लिक टाइप और एक है गैर स्लिक टाइप। इसका इंसार मुशाहदा करने वाले पे होता है, ठीक है, वो कैसा मुशाहदा करता है। मुशाहदे का सबसे अहम फायदा यह है कि इसमें किरदारों का एक पूरा सिलसिला एक ऐसी शक्ल का मुताला करता है जिसमें उसके ज़्यादा वक्त दरकार होता है और जेर मुताला वक्त कम पर कम असर होता है। यानी जब हम मुशाहदा करते हैं तो हम जो है क्या नाम है, सबसे पहले मतलब पढ़ते कम है और देखते ज़्यादा है। जब आप किसी को ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं या कर रही होती हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले आप इसे देखते हैं कि ये बंदा जो है क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो उसी को मुशाहदे का तरीका कहते हैं, उसी को बोलते हैं कि भाई ये जो है क्या है। तो इसमें हम पढ़ते कम है, देखते जाते हैं। जैसे बच्चे हैं, अगर आप जो है इसमें थोड़ा सा मुशाहदे का तरीका देखें कैसे करते हैं तो आपके ज़रा समझ में आ जाएगा। आप डेटा को उठाकर डेटा को इकट्ठा करने के लिए मुशाहदा तरीकों को समझें। किसी भी फैमिली फंक्शन का वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए और जो आसानी से दस्तियाब और गैर लफ्जी तस्वीर इशारात का मुतालबा कीजिए, जैसे मुस्कुराहट, मुसाफा, हाथ मिलाना, सलाम, नमस्ते कहना, हाथ ही हाथों का इस्तेमाल और दीगर निशानियों का मुताला करें। और किसी हासिल कुरिंदा वीडियो की रिकॉर्डिंग में लोगों को तरसीली इशारात का मुशाहदा करें। क्या औरतों के मुकाबले मर्द ज़्यादा हाथ मिलाते हैं, क्या मर्दों के मुकाबले औरतों बड़ों के पैर ज़्यादा छूते हैं। आप खुद अपनी पसंद के बहुत से सवाल तैयार कर सकते हैं। मतलब हम जो है बहुत सारे मुशाहदे के ज़रिए कर सकते हैं कि जैसे भारत के लोग जो है ज़्यादातर किस तरह के होते हैं, वो लोगों की मदद करने वाले होते हैं और ज़्यादातर जो है धार्मिक होते हैं, क्या होते हैं, तो जिस तरह के लोग होते हैं उसी तरह का हम जो है मुशाहदा कर सकते हैं। तजर्बे की अंजाम दही भी है इसके अंदर। देखते हैं कितना है, पहले देख लेते हैं कि इसके अंदर कहाँ तक है जब हम जो है इसको कर पाएंगे। ये तो काफ़ी जो है लंबा है, जहाँ तक मैंने कराया है ना आपको तजर्बे की अंजाम दही, इससे आगे जो है हम के अंदर अगर हम देखें तजर्बे की अंजाम दही तो ये बहुत डीपली यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। ये किसी भी तजुर्बे में एक तजुर्बे करने वाला शख्स एक मुतगैर के साथ कसदन जोड़ तोड़ करके और उसको कंट्रोल करके एक मुतगैर के दूसरे मुतगैर पर रूनुमा होने वाले असर का मुताला, यानी एक अलग तरीके के चीज़ होने पे एक दूसरा अपना, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि उसके ऊपर मतलब जो भी तब्दीली हो रही है, जो तजुर्बा कर रहा होता है वो देखता है कि भाई ये ऐसा है तो इस पे ये करने से क्या होगा, मतलब एक्सपेरिमेंट करता है। जैसे बल्ब बनाने वाले ने एक्सपेरिमेंट करता रहा और जो उसने बल्ब बना लिया,
इसी तरह और भी चीजें बनाने वाले क्या करते रहते हैं, एक्सपीरियंस करते रहते हैं, और कब तक करते हैं, जब तक कि उन्हें कुछ नया मिल नहीं जाता। इसी के अंदर ये बात भी बताई गई है तजुर्बे की अंजाम दही, और आगे इसमें लिखा हुआ है कि इस मुतगैर को आजाद मुतगैर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ठीक है जी, जो भी एक आप ये कह सकते हैं जो भी डेवलपमेंट होते हैं वो तजुर्बे की बुनियाद पे होते हैं, एक्सपीरियंस मतलब जो भी वो अपने एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं उनकी बुनियाद पे होते हैं। मुस्तकिल मुतगैर में जोड़ तोड़ करके तजुर्बा करने वाली ऐसी पोजीशन में होते हैं। वो ये बता देते हैं एक मुतगैर में पैदा की गई तब्दीली दूसरे मुतगैर में तब्दीली लाती है। मतलब अगर हम किसी चीज़ पे बराबर एक्सपेरिमेंट करते रहे तो उसका वो एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक नई चीज़ को जन्म देता है, एक नई चीज़ को पैदा करता है। यही इसके अंदर बस बताया गया है। आगे बात समझ में। इसके बाद है कि अखराज एलिमिनेशन, यानी एक तकनीक में गैर मुतालिक मुतगैरात को तजर्बाती पस मंजर से खारिज कर दिया जाता है। मतलब जैसे इस फॉर एग्जांपल किसी ने कोई चीज़ तैयार करने में तजुर्बे करे, अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे किसी ने कोई कपड़ा काटा और उसके काटने के बाद जो है उसने कोई चीज़ बनाई, मान लीजिए उसने जो है शर्ट बनाई या कमीज बनाई, तो कमीज बनाने में क्या करता है वो जो बाकी का मटेरियल होता है उसे काट देता है ना, जो फालतू एक्स्ट्रा होता है, और सिर्फ वही चीज़ ले आती है जो चीज़ की ज़रूरत होती है। इसी तरह जब हम तजुर्बा गाह में यानी लैब के अंदर कोई तजुर्बा कर रहे होते हैं तो सिर्फ उसके अंदर वही चीज़ बाकी रह जाती है जिस चीज़ का हम तजुर्बा कर रहे होते हैं, बाकी जितनी तजुर्बा करने के बाद जो चीज़ हमें मिल जाती है उस चीज़ को हटा देते हैं। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो जो चीज़ हमारी बनाई हुई होती है तो वो सिर्फ रह जाती है, बाकी सब चीज़ों को क्या करते हैं हम फेंक देते हैं, कूड़े में अखराज कर देते हैं, वो ख़राब कहलाती हैं। जिस तरह एक फल को छीला जाता है उसके अंदर जो फल होता है उसे खा लिया जाता है और उसके जो मतलब छिलके होते हैं उन्हें फेंक दिए जाते हैं, क्योंकि वो उसका अखराज कहलाते हैं, मतलब उसके वैसी चीज़ें जो बेकार होती है। इसी तरह जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके अंदर जो अखराज होता है उसे हम फेंक देते हैं और जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो रख लेते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद है हालतों को मुस्तकिल करना, मेकिंग कंडीशन कॉन्स्टेंट। इस तकनीक में गैर मुतालिक मुतगैरात को जिन्हें खारिज नहीं किया जा सकता मुस्तकिल बना दिया जाता है ताकि पूरे तजुर्बे के दौरान उनका असर यकसर। यानी जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कुछ चीज़ों को तो हम बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन जिन चीज़ों को नहीं निकाल सकते उन्हें उसका हिस्सा बना देते हैं ताकि वो भी उसका हिस्सा रहे। मेल मिलान मेकिंग, इस तकनीक के जरिए मुतालिका मौजू मुतगैरात को मसावी बना दिया जाता है ताकि तजुर्बे की तमाम हालात के दौरान उसको मुस्तकिल कर दिया जाए, मतलब वो चीज़ हमारे साथ परमानेंट रहे। बरक्स तवाजुन काउंटर बैलेंसिंग, इस तकनीक का इस्तेमाल तरतीब या सिलसिले के असर को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है जी, ये बरक्स तवाजुन कहलाता है। इसमें क्या करते हैं हम किसी चीज़ का जो इस्तेमाल होता है वो एक तरीके से उसके असर को कम कर, ये काम शर्का दो ग्रुपों में बांटकर किया जाता है, पहला तजुर्बा आधा ग्रुप काम और दूसरा आधा ग्रुप बी काम करता है, फिर दोनों ग्रुप ए बी को काम को एक दिया जाता है। मतलब कहने का ये बरक्स तवाजुन काउंटर बैलेंसिंग के ए मतलब दो ग्रुप मिलके काम करते हैं, ए ग्रुप और बी ग्रुप, जब दोनों ग्रुप मिलके काम कर लेते तो इन दोनों ग्रुप को एक बैलेंसिंग में कर दिया जाता है, यानी एक ही के अंदर कर दिया जाता है। बाकायदा तफवीज रेंडम असिस्टमेंट, रेंडम असिस्टमेंट क्या होता है इसको देखिए, रेंडम असिस्टमेंट बाकायदा तफवीज के मामले में सब शुरका को तजुर्बे में हिस्सा लेने और हालतों को कंट्रोल करने का मसावी मौका मिलता रहता है। यानी बाकायदा तफवीज में सब शुरका को, शुरका मतलब जो जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, जो जो इसके अंदर टेक पार्ट कर रहा है हिस्सा ले रहे हैं, उनको हालात को कंट्रोल करने का मसावी मौका यानी सबको बराबर चांस दिया जाता है। इस किस्म के तजर्बे में ग्रुप के दरमियान बाकायदा इख्तिलाफ भी रफा हो जाता है, मतलब जब सबको मौका मिलता है तो सब आपस में एकजुट हो जाते हैं कि भाई चलो हमें भी मौका मिला है
इस वजह से जो इख्तिलाफ होता है, जो आपस में एक तरीके से एक दूसरे से वो होती है, वो रफा हो जाता है, यानी चला जाता है, भाग जाता है। इसके बाद है आगे केस स्टडी। केस स्टडी क्या होता है? इस केस स्टडी को ध्यान से समझिएगा। आपने किसी डॉक्टर को जरूर देखा होगा जो किसी मरीज से बीमारी से मुतालिक मालूमात के अलावा जाती नोयत की तफसील भी पूछता है। मतलब वो सिर्फ यही नहीं पूछता कि भाई आप कैसे हैं और आप कैसे नहीं हैं, बल्कि साथ में ये भी पूछता है कि भाई आपका घर में क्या हाल है, आप ऑफिस कब जाते हैं, और जो है आपके दिमाग में कोई टेंशन तो नहीं है, आपका कारोबार सही चल रहा है नहीं सही चल रहा। तो उसका केस स्टडी करने के लिए, मरीज की बेसिक बुनियादी बीमारी को जानने के लिए वो उसकी पर्सनल मालूमात भी यानी जाती नोयत की तफसील भी पूछता है। या मीडिया से मुतालिक कोई शख्स किसी मशहूर शख्सियत का इंटरव्यू लेते वक्त जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में पूछता है। ऐसे सवालात के पस पर्दा मकसद ये होता है, इसका जो मेन मकसद होगा उस शख्स के तजर्बात दूसरे लोगों के से उसके रिश्ते और ताल्लुकात वगैरह के बारे में इल्म हो जाता है, और उस शख्स की सवाने खाकी तैयार हो जाती है। यानी नफ्सियात में उस तरीके को केस स्टडी कहा जाता है, मतलब केस स्टडी कहा जाता है। बस केस स्टडी इतना ही है। केस स्टडी के अंदर हम क्या करते हैं, किसी की जो वैसी बीमारी होती है उसको तो पूछते ही है, साथ में उसकी बुनियादी जो चीजें होती हैं उसको भी हम पूछ लेते हैं। इसके बाद आता है जायजा। जायजा कहते हैं सर्वे को। सर्वे देखा होगा आपने अक्सर टीवी चैनल वाले और अखबार वाले सर्वे करते हैं, और आज के दौर में तो सर्वे करना बहुत आसान हो गया, SMS के जरिए वो सर्वे कर लेते हैं। एक मिनट रुकिए। इसके बाद है भाई, इसके अंदर सर्वे क्या होता है, आप वाकिफ है कि जो टीवी चैनल होते हैं, आप वाकिफ हैं टीवी चैनल या अखबार आपसे कहते रहते हैं कि आप SMS के जरिए बैन अल्अक्वामी अहमियत की ताज़ा तरीन मामला पर अपनी राय, ऐसा करके इन मालूम के बारे में लोगों की राय मालूम करने की कोशिश करें ताकि उस नुक्ता नज़र को हुकूमत और खुद समाज के लोगों तक पहुँचा। मसलन इलेक्शन के ज़माने में इंतखाब राय ओपिनियन पोल का इंतकाल करते हैं ना, उसमें देखते हैं कि भाई आपकी राय क्या है। ओपिनियन पोल इलेक्शन से पहले लोगों से उनकी राय मांगते हैं, तो ये राय जो मांगते हैं ये नेता मंगवाते हैं और लीडर मंगवाते हैं, और उस जगह की जो हुकूमत होती है वो करवाती है, उससे पता लगता है कि भाई लोग किसे चाहते हैं। जायजे का मतलब, सर्वे का मतलब यही होता है कि लोगों की राय निकालना और फिर उस राय के हिसाब से काम करना। अब मतन पे मबनी सवाल आते हैं, ये खाली जगह है, मुशाहदे की दो किस्में लिखनी है, इसका जवाब नीचे मिल जाएगा सबका, तो इसको भरिएगा। इसके बाद है नफ्सियात साजो सामान। नफ्सियात का साजो सामान क्या है? जो नफ्सियात है साइकोलॉजिकल है, यानी लोगों के दिमाग को पढ़ना है, उसकी जो साजो सामान है मतलब क्या चीज़ें हैं जिसके जरिए हम करते हैं। सबसे पहले नफ्सियाती टेस्ट आता है। नफ्सियाती टेस्ट वो होता है जो जहानत इस्तेदाद और दिलचस्पी की पैमाइश करता है। मतलब हम ये देखते हैं कि इस बंदे की जांच करने को तैयार है, यानी मसलन जहानत का टेस्ट है, जहानत के बाद ही फरोख दिया जाता है। टेस्ट किसी एक फर्द या ग्रुप की शक्ल में भी अंजाम दिया जा सकता है। इस टेस्ट में किसी फर्द का हासिल करता स्कोर दीगर लोगों के हवाले से अपना मकाम हासिल करता है जिन्हें उस टेस्ट की जवाब दिए हैं। इस नफ्सियाती टेस्ट के जरिए किसी मुख्तलिफ वहासिन और इस्तेदाद क्वांटिटी एंड लिमिटेशंस का वहाँ सेहत मुतगैयरात ये सारी चीज़ों के बारे में आ रहा है। टेस्ट की सेहत का मतलब है जिन चीज़ों की पैमाइश के लिए मुस्बत अंजाम दिया उसे किस हद तक पैमाइश, ठीक है। नफ्सियात के साथ सामान में चीज़ें होती हैं कि जिसमें हम उसके बंदे की सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। सवालनामा। सवालनामे में ये होता है कि हम उस पर से मतलूबा सवालात होते हैं उनका जवाब देते हैं, है ना, उससे पूछते हैं कि भाई आप जो है कितने बजे उठते हैं, आप क्या काम करते हैं, ठीक है। वो जैसे जैसे सवाल का जवाब देता रहता है उसके साथ घुल मिल जाते हैं, और घुल मिल जाने के बाद आम से खास की तरफ सिलसिले को तरतीब देते हैं। मतलब एक छोटे से सवाल नाम में छोटे छोटे सवाल पूछते हैं, और जब वो सवाल देने लगता है तो उस शख्स की नफ्सियात का एहसास होने लगता है। जब हम किसी से बात करते हैं तो बात करते करते कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो बंदे का दिमाग पढ़ने में माहिर होते हैं, तो उसका दिमाग पढ़ के ही बता देते हैं कि भाई ये बंदा कैसा है ना। लेकिन जब तक वो बोलेगा नहीं तो उसके दिमाग का पता नहीं लगेगा। आवाज आ रही है आपको? नहीं
अब इसके बाद है इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू में क्या होता है, दो शख्स सामने सामने बैठे होते हैं और उसमें जो है एक शख्स सवाल पूछता है और दूसरा शख्स उसका जवाब देता है। उसमें शख्सी रुझाना, दिलचस्पियाँ और तरजीहात को भी समझ सके। यानी इंटरव्यू में जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है रस्मी, यानी दो किस्में जो अक्सर मालूम है, ये हेल्दी हाईटी इंटरव्यू यानी स्ट्रक्चर इंटरव्यू, और गैर हाईटी इंटरव्यू यानी होता है इसमें सवाल के जवाब के कई इम्कान होते हैं। मिसाल के तौर पे जिगरी दोस्त, अमूमी दोस्त की लेकर मामूली दोस्त के मुतबादिल और दोस्तों शनि पैमाइश किया। आपने अक्सर इंटरव्यू देखा होगा, अलग अलग तरह के इंटरव्यू होते हैं। कुछ इंटरव्यू ऐसे होते हैं या बिल्कुल प्रोफेशनल होते हैं, उसमें जैसे जॉब के इंटरव्यू होते हैं। कुछ इंटरव्यू ऐसे होते हैं जैसे दोस्ताना ख्याल के, और उसमें बातचीत करते हैं और भाई क्या हाल है आपके और क्या करते हैं आप, और पहले ऐसे थे अब ये करते हैं, कहाँ से आपने पढ़ाई शुरू करी और कहाँ से इतनी ये तरक्की और ये शोहरत हासिल करी, इस तरह के सवाल इसमें होते हैं। अब इसके बाद मतन पर मबनी सवाल आपको दिए गए हैं, इनके जवाब भी नीचे मिल जाएंगे आखिर में, तो वहाँ से इनके जवाब मिल जाएंगे। अब आपने क्या सीखा, आपने क्या सीखा के बाद इसमें कुछ सवाल हैं, जैसे ये वाला सवाल है माहरीन नफ्सियात के ज़हनी अमाल को समझने के लिए खास तर्ज रसाई का इस्तेमाल करते हैं, इंसानी किरदार के समझने के लिए क्या क्या तरीके बताएं, ये दूसरा साइंटिफिक तरीके से खसूसियत बताएं। जो अभी हमने ऊपर पढ़े मतन पर मबनी सवाल उनके जवाब 2.1 के ये रहा है, 2.2 के ये रहा है, 2.3 के ये रहा है। इख्तितामी सवाल के लिए इशारे दिए गए कि पहले सवाल का जवाब 2.1 में मिल जाएगा, दूसरे सवाल का जवाब 2.2 में, तीसरे का 2.2 में, चौथे का भी 2.3 में मिल जाएगा। इसके बाद ये आपका जो है मतलब ये सारा हो गया, ये वाला चैप्टर नंबर 2 जो है ये कंप्लीट करा दिया मैंने। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसके सवाल जवाब लिखें, और जहाँ जहाँ इन्होंने हिंट बताए वहाँ वहाँ से इसके सवाल हो गए जवाब लिखें। सबक का नाम है नफ्सियात के तरीके, ठीक है जी। अगर इसको बहुत सही से आप कर लें और जब करने के बाद क्वेश्चन आंसर लिखने तो आप मुझे दिखा दीजिएगा कि भाई होगा, और आपके मुझे लगता है बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो मुझसे आप पूछ सकती हैं ताकि मैं आपको उसे